दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट की जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक अपडेट निकल के आई है सामने। पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पटना, इसको हम क्लिक करेंगे। हम उसके बाद जाएंगे रिक्रूटमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आप देखिए रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और आपका 1 फरवरी के डेट में एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस है, नोटिस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन स्लैश क्लैरिफिकेशन एक्सेट्रा रिगार्डिंग एनी प्रोविजनल आंसर की फॉर ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022। इसको हम व्यू करेंगे तो दो चीजें आ रही हैं सामने, क्लिक हियर टू व्यू नोटिस और उसके बाद है लिंक टू सबमिट ऑब्जेक्टिव या क्लैरिफिकेशन एक्सेट्रा रिगार्डिंग एनी प्रोविजनल आंसर की फॉर ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो पहला वाले नोटिस को पहले देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप, दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट रिटन टेस्ट फॉर द ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर PHC 4/2022 वॉज हेल्ड ऑन 8 जनवरी 2023 संडे इन सिंगल सिटिंग एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स सिचुएटेड इन पटना। द प्रोविजनल आंसर की ऑफ ऑल द सीरीज ऑफ क्वेश्चन बुकलेट दैट इज ABCD ऑफ पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द रिटन टेस्ट आर बीइंग पब्लिश्ड हियर विद एज एनेक्सरी। तो एनेक्सरी में दिया जा रहा है कि 4 सेट की आपकी आंसर की जो है ऑब्जेक्टिव की 80 जो क्वेश्चंस थे हमारे उसकी रिलीज की गई है। अ कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड इन दिस एग्जामिनेशन एंड विशेस टू मेक एनी ऑब्जेक्शन और क्लैरिफिकेशन एक्सेट्रा रिगार्डिंग एनी प्रोविजनल आंसर की ही और शी में सबमिट ऑनलाइन रिक्वेस्ट थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हाई कोर्ट दैट इज www.patnahighcourt.gov.in फ्रॉम 1 फरवरी टू 7 फरवरी। आपको 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक रात के 11:59 तक चैलेंज करना है। अगर आपको लगता है कि आपने सही किया है और बोर्ड ने या पटना हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल आंसर की में कुछ आपको लगता है कि आप तसल्ली नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, वैसी हालत में आप चैलेंज कर सकते हैं विथ कॉपी ऑफ ऑथेंटिक सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ विच ही शी हैज सबमिटेड द ऑब्जेक्शन क्लैरिफिकेशन। यानी कि आपको साथ में ऑथेंटिक सोर्स देना पड़ेगा कि आप किस बेसिस पे बोर्ड के आंसर को चैलेंज कर रहे हैं। ऑब्जेक्शंस रिसीव्ड विद इन अफोरसेड टाइम एंड इन अफोरसेड मोड विल बी ओनली टेकन इनटू कंसीडरेशन। यानी इस दौरान में 1 से लेकर 7 के बीच में और जो ये बताया जा रहा है अफोरसेड मोड में ही, ऑनलाइन मोड से ही आपकी कंसिडर किया जाएगा, उसको माना जाएगा। हाउएवर एनी ऑब्जेक्शन और क्लैरिफिकेशन रिसीव्ड विदाउट एनी ऑथेंटिक प्रूफ और सोर्स और एनी ऑब्जेक्शन क्लैरिफिकेशन रिसीव्ड After aforesaid stipulated period or time shall not be entertained, considered on any ground whatsoever and shall stand rejected without assigning any reason. यानी दे रहा है कि आपको जो रीजन दिया है, जो मोड है और जो आपके पैटर्न बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग विद इन टाइम लाइन में 1 से 7 के बीच में आपको चैलेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो है वो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा और मे बी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन रिसीव्ड इन अफोरसेड मैनर विद इन अफोरसेड टाइम लिमिट along with copies of the authentic source or proof document shall be considered and the provisional answer key shall be finalized and used as key or medal slash model answer for the generation of result of the translator recruitment examination 2022। yani objection jo receive kiye jayenge aforesaid manner mein jo bataye gaye hain tarike hain uske hisab se and usi time ke according aur uski copy aapko lagani padegi authentic source ke sath mein। for example aap maan lijiye question number 1 hai jiska aapko lagta hai ki aapne sahi kiya hai aur aapne kahin se padha tha to wo authentic source aapko batana padega aur uske baad mein after declaration of result yahan pe aap dekhenge no representation regarding question or final मॉडल आंसर शैल बी एंटरटेन्ड ऑन एनी ग्राउंड एंड शैल स्टैंड रिजेक्टेड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। यानी ये आपको मौका दिया जा रहा है, आपको चैलेंज अगर करना है तो आप कर लीजिए, बाद में आपको रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आप कुछ भी कर लेंगे कुछ नहीं होने वाला है। इन केस नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव विद इन प्रेस्क्राइब टाइम देन द प्रपोज्ड मॉडल आंसर की शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड रिजल्ट विल बी जनरेटेड अकॉर्डिंगली। यानी इन केस नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव, अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं हो रहा है तो उसको फाइनल आंसर की माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है वो पब्लिश किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन अ सम ऑफ ₹50 फॉर ईच क्वेश्चन चैलेंज्ड, दिस शैल बी नॉन रिफंडेबल। एक स्टूडेंट को अगर लगता है किसी कैंडिडेट को उसके 5 क्वेश्चन गलत हैं तो 50 × 5 अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा, जितने भी क्वेश्चन हैं पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ₹50 आपको पे करना पड़ेगा एंड ये रिफंडेबल नहीं है। द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना ऑन द ऑब्जेक्शन शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर
कॉरेस्पॉन्डेंट शैल बी इंटरटेन इन दिस रिगार्ड, यानी ये डिसीजन जो है आपका हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पटना का ऑब्जेक्शन का वो फाइनल है, और इसके अलावा किसी भी तरीके से अगर आप कोशिश करते हैं तो बोर्ड आपको एंटरटेन नहीं करने वाला है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द कोर्ट्स वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर डिटेल अपडेट्स। तो ये बताया जा रहा है कि आप पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करेंगे अपडेट के लिए, जो ऑथेंटिक आपके वो रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो भी साथी पहली बार चैनल पे आए हैं तो हमसे जुड़ जाएंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे इनफैक्ट, ताकि हमारी तरफ से जो भी रेगुलर अपडेट्स होगी इस रिगार्डिंग वो आपके साथ में शेयर की जा सकेगी। ये आपका रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से नोटिस था, और आपके ये चार सेट के क्वेश्चन के वो हैं, आपके आंसर की हैं। सेट ए एनेक्सर ए से शुरू है आपका, यहाँ से सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। तो ये अपडेट थी। अब जिनको भी चैलेंज करना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। बाकी हम दूसरी अपडेट के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि हमारी तरफ से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ में शेयर की जा सकेंगी। धन्यवाद।